हमारे पास एक और साधक का मेल आया है। वो साधक जो है उनका नाम दिलीप है। दिलीप जो था वो पर्सन कुछ 27 साल का अभी है उसकी उम्र। उस 27 साल के उम्र के अंदर वो व्यक्ति काफ़ी सालों से वो आर्मी के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई करता था। वो कंटिन्यूस गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत कोशिश करता था, बहुत उसने कोशिश की, लेकिन उसका नहीं हो पा रहा था। और वो कंटिन्यूस दौड़ लगाता था, कंटिन्यूस उसने रिटन एग्ज़ाम देता था, लेकिन उसका नहीं हो पाता था। नियमित कंटिन्यूस अभ्यास करने के बावजूद भी उसका नहीं हो पाता था, तो उसकी वजह से वो एक परत में से डिसक्वालीफाई हुआ, दूसरे परत में डिसक्वालीफाई हुआ। उसके बाद उसने एक बार उसको किसी ने बताया, उसने हनुमान चालीसा नियमित पढ़ना चालू किया। हनुमान चालीसा वो नियमित 10 बार नियमित हनुमान चालीसा वो पढ़ता था, और वो 90 दिन तक वो हनुमान चालीसा उसने पढ़ने का संकल्प लिया। वो 10 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ता था, 90 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ने का उसने संकल्प लिया। फिर जो दिलीप था उसके 90 दिन जैसे ही पूरा हो गया, 90 दिन पूरा होने के बाद 10 दिन 15 दिन और बीता। उसके बाद फिर दिलीप ने ये देखा कि उसका एक एग्ज़ाम उसने दी थी, उसके अलावा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम थी, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दी थी, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में उसका चयन हो गया, वो सेलेक्ट हो गया। और उसको आर्मी में नहीं हुआ, लेकिन दूसरी एक गवर्नमेंट जॉब में उसका सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद फिर जब उसका फाइनल सिलेक्शन में नाम आ गया, तो उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट 6 महीने बाद आया, तो उसमें भी उसका नाम था। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और उसको भगवान श्री राम और हनुमान जी की स्तुति, जो हनुमान चालीसा उन्हें नियमित पढ़ी 90 दिन तक, उसका उसके ऊपर बहुत अच्छा उसको खुशी मिला इस बात से, क्योंकि वो नौजवान था और उसको उसने ये देखा कि नियमित 90 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसके अंदर एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा आ गई। और उसके 15 दिन 20 दिन के बाद उसको जो उसका एक दूसरी ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, उसमें उसका नाम था। फिर 6 महीने के बाद जब फाइनल उसका एक और रिजल्ट आया इसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो उसमें भी उसका नाम था। तो वो बहुत खुश हुआ, और उसके बाद भी उसने नियमित हनुमान चालीसा और भगवान श्री राम का मंत्र जब वो करता रहा, और उसके बाद उसको उसमें भगवान में अटूट श्रद्धा हुई। और अभी उसका गवर्नमेंट में एक पद के ऊपर उसका जॉब चालू है। और उन्होंने अपने मेल से एक ये अपना जो भगवान की स्तुति करने के बाद हुए चमत्कार को हमारे को जानकारी दी है। और भी जो लोग हैं, जो लोग को ऐसा होता है कि उनको कोई आर्थिक समस्या है, या समझो कि कोई दूसरी उनको कोई परेशानी है, तो कोई भी व्यक्ति जो है हनुमान चालीसा अगर नियमित पढ़ता है, भगवान श्री राम राम का जप करता है, भगवान श्री कृष्ण का हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह से भगवान कृष्ण का नाम का जप करता है, या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वातः सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् पढ़ता है, तो उसको जरूर इसमें सफलता मिलती है। और आप भी नियमित जब भी आपको समय मिले तो आप भगवान का मंत्रों का जप कीजिए। और ये बिल्कुल सरल है, इसमें कोई भी आपका पैसा नहीं जाने वाला है, इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत नहीं है। आप सुबह और शाम कोई भी टाइम आप समय निकाल के कर सकते हैं। और आपको भी कोई इस तरह से मंत्र जप करने से, या हनुमान चालीसा पढ़ने से, या भगवान का नाम का मंत्र जप करने से, गायत्री मंत्र पढ़ने से कोई चमत्कार आपके साथ हुआ हो, या कोई आपको ऐसा अनुभव हुआ हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और भगवान में इसी तरह श्रद्धा बना के रखिए। धन्यवाद।